पहले तो अपनी यार ट्रेन हो गई थी मिस, जो अब मेरी एक्चुअल में टिकट थी सरहन टू मेरठ। यार एक और ट्रेन मिस हो चुकी है अपनी, जो कि भाई पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, निकलते हैं यार पैदल यात्रा पे। यार आज का दिन भाई सच्ची में बकवास जा रहा है यार, अब बस भी खराब हो गई है गाइस, तो देखते हैं यार क्या बनता है बाकी। सो गाइस वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो भाई आज का भाई हम पहुंच चुके हैं अपना अम्बाले। तो भाई अभी अम्बाले से ट्रेन पकड़ेंगे, अम्बाले से ट्रेन अपनी मेरठ की सीधा। तो भाई मेरठ के ट्रेन में जाके फिर आपसे बात करते हैं। अभी तो रेलवे स्टेशन पहुँचे भाई कैट के, तो भाई यहाँ से आगे आपसे बात करते हैं। आगे फाइनली भाई रेलवे स्टेशन में एंट्री हो चुकी है, वही हमारी ट्रेन आनी उस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो अभी जाएंगे भाई ऊपर को, ऊपर से जाएंगे भाई क्योंकि हम पटरी से रिफ्ट नहीं लेते, वही ऊपर से जाएंगे फिर भाई टैक्सी के साथ ही है, वही चलते हैं ऊपर से फिर उधर बात करते हैं। तो भाई हम फाइनली भाई अपने स्टेशन में पहुंच चुके हैं। तो यार यहाँ पे भी आनी है ट्रेन, अभी आई तो नहीं है, D6 है अपना, तो भाई यहाँ पे ही रुकेगी सीधा आके। तो हम भाई सीधा एयरपोर्ट पे ही खड़े हैं, तो भाई लगेज हमारा यहाँ पे ही है, तो चलते हैं देखते हैं अब आगे क्या होता है ट्रिप में। मेरे को भी नहीं पता लग रहा है यार, एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, तो बाकी देखते हैं। पहले तो अपनी यार ट्रेन हो गई थी मिस, जो अब मेरी एक्चुअल में टिकट थी सरहन टू मेरठ, मतलब अपना सरहन से मेरी हो गई थी ट्रेन मिस हो गई थी मेरे से। तो अब अम्बाले पहुँचा हूँ, तो अम्बाले से ट्रेन लूँगा फिर अब जाएंगे मेरठ को। यार बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया था सुबह सुबह भाई, कुछ नहीं पता लग रहा था। एक तो आपको पता है यार उठ नहीं होता सुबह सुबह, ऊपर से यार इतना ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया। तो यार यहाँ पे देखो भाई क्या ही चल रहा है भाई। यहाँ पे ना आपको एक और सावधानी रखना है भाई, जो अपने आपका लगेज होगा भाई वो ऐसे रखना, कोई अगर आपका पिट्ठू बैग भी है ना वो बैक साइड में रखना भाई। यहाँ पे कुछ नहीं पता लगता कि कब क्या हो जाए और क्या नहीं। और यार इधर का एक और है कि यहाँ पे ना मतलब ऐसे जैसे होते हैं सुबह शाम, मतलब बहरूपिया टाइप होते हैं बने हुए, तो भाई उनसे बच के रहना। अगर वो पास आ रहे ना भाई या तो उनको बस दूर कर दो जैसे मर्जी करके, क्योंकि भाई आपको नहीं पता लगा आपकी जेब कब कट गई। तो भाई ये चीज़ का आपने ध्यान रखना रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे यहाँ पे जैसे ये बैठे ना भाई ऐसे भाई। इस बंदे का मतलब पैर पूर सब कुछ ठीक है, लेकिन यार ये है कि मतलब आपको पता ही है यार कैसे बंदे होते हैं मिलते हैं आपको। यार ये देख रहे भाई पीछे ही है आपने, कैमरा सेट कर नहीं सकते यार क्योंकि आपको पता है यार अगर उंगल की तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई मिलते हैं आपको सीधा ट्रेन में। यार एक और ट्रेन मिस हो चुकी है अपनी, जो कि थी यहाँ से अपना क्या कहते हैं अम्बाले से। तो भाई अब न्यू को बस कराइए, वो वाली टिकट कैंसिल ही करा दी है, अब न्यू को बस कराइए यार, वो आनी है 9 बजे। तो भाई उससे पहले पहले वहाँ पे हमने पहुँचना है यार, उससे जाके बात करते हैं। तो यार अब यहाँ पे खड़े हैं हाईवे पे बिल्कुल, ये देख लो भाई चंडीगढ़ का रास्ता दिखा रहे हैं बस। यार यहाँ पे आएगी न्यू की बस, जो कि आनी है कम से कम यही कुछ 15-20 मिनट में अभी भाई। अभी यार टाइम हो रहा है 8:33, तो भाई बस आनी है तकरीबन कितने बजे तक आएगी, हाँ 9 बजे तक बस आनी है भाई। ये पड़ा हमारा अपना अटैची भाई, इसको पकड़ के रखा हुआ है कि भाग ना जाए। तो भाई जब बस आएगी फिर आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं जिंदगी झंडवा बटनों घमंडवा, ये होती है भाई जिंदगी, इसलिए ट्रैवल ही करी जो ठीक है, और जब लास्ट में धोखा हो जाए। इन ऐसे था कि यार पहले हमने चलना था सरहन से, तो सरहन से लेट हो गए थे हम, तो भाई उसके बाद में क्या अम्बाले पहुँचे। अम्बाले का आपको सीन दिखा दिया भाई, अम्बाले से भी हो गए लेट भाई। अभी जस्ट पहुँचा ही था, पहुँचते वो उनको मैंने पूछा, वो कहते भाई आपके 1 मिनट आने से पहले वो ट्रेन अभी गई है। तो यार अब न्यू की बस के लिए वेट कर रहे हैं, देखते कब तक आती है न्यू की बस भी, तो उसके लिए वेट करें और भाई चलते हैं फिर। क्या कहते हो भाई यहाँ से मेरठ हमें पड़ेगा यार कम से कम ना 300 किलोमीटर पड़ेगा भाई यहाँ से मेरठ, यार पैदल ही ना जाए भाई, पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो चलते हैं यार पैदल यात्रा पे यहाँ से अम्बाला से दिल्ली को या फिर मेरठ को पैदल यात्रा का ये चेक करना भाई। कसम से बोल रहा हूँ आज कितना खराब दिन चढ़ाना भाई, ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा भाई, भाई कबूतरों ने यार मतलब कांड कर दिया ये भी। तो भाई अभी अपनी बस आ रही है यार, तो जब बस आएगी भाई आपको फिर ही दिखाते हैं। तो भाई यार ये देख रहे हो भाई, मतलब यार क्या ही बताऊँ आज का ये दिन चढ़ा हुआ है इतना गंदे वाला, क्या यार क्या ही बताऊँ। चलो यार बस आपके अपनी बस में भाई यहाँ पे फ़ोन लगा दिया चार्ज पे, क्योंकि यार फ़ोन की बैटरी भी नहीं थी डेड था फोन। तो भाई रास्ते में जा रहे हैं, तो देखते हैं यार क्या करना है, शायद न्यू दिल्ली से फिर मेरठ की पकड़नी पड़ेगी या फिर मैं बीच में उतरूँगा मेरठ के बस के लिए, तो देखते हैं यार क्या करते हैं। यार ये भाई अपनी जो बस है यार ये शायद दिल्ली तक ही जाएगी,
तो भाई दिल्ली के बाद का देखना पड़ेगा क्या ही सीन है कि मेरठ कैसे ही जाया जाता है, क्योंकि यार शायद मैं बीच में उतरूँ या फिर शायद करनाल ही उतर जाऊँ। तो देखते हैं भाई, अभी तो ये चार्ज लगी हुई है बस, तो देखते हैं क्या बनता है। सब देख लो यार, पुलिस वालों ने बस भी रुकवा ली, मतलब पुलिस वालों ने रुकवाई कि वो हमारी बस खराब हो गई थी, तो 10 मिनट जो ज़्यादा हम आई भी पकड़ा नहीं सकते थे। यार देख लो ये होती है किस्मत असली भाई। आज का दिन भाई सच्ची में बकवास जा रहे हैं यार, अब बस भी खराब हो गई है गाइस, तो देखते हैं यार क्या बनता। बाकी किस्मत ही खराब चल रही है, बस भी खराब। क्या लो यार, आज की किस्मत ना इतनी गंदी वाली चल रही है भाई, अब बस की थी भाई, बस भी मतलब खराब ही हो गई है कहीं से बस, और यार ट्रेन मतलब ट्रेन मिसी हो गई आपको पता ही है यार। तो भाई देखते हैं क्या बनता है यार बस का भी। तो भाई जीटी रोड पे खड़े हैं, देख रहे हो भाई ये चक्कर हो भाई। यार देख लो बीवी हम भाई, कम से कम ना टाइम देख लो भाई, टाइम चेक कर रहे हो साढ़े ग्यारह। वही देखते हैं यार कब तक पहुँचते हैं अभी, क्योंकि अभी सीधा मेरठ जाना है और जीजू उन्होंने भी इतने कॉल आ चुके हैं ना कि क्या ही बताएं। वही चलते हैं। हाँ जी भैया, क्या बना क्या बना? बढ़िया। ओ भाई यार अब जाके गाड़ी का भी बना है कि भाई आ रही है पीछे से एक और गाड़ी, तो उसमें जाएंगे यार, चलते हैं आगे को फिर आपसे मिलते हैं भाई। फिलहाल भाई चल चुके फिर से बस अपनी, देख लो भाई, तो भाई चार्ज हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो बस हर हर महादेव का नाम लेके भाई चलते हैं, तो देखते भाई क्या बनता है। यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई अपना दिल्ली में, देख रहे हो भाई ऐसे जाम चेक करो यार, इतना जाम भाई, मतलब दिल्ली पहुंच चुके मेरे को घंटा हो गया, पर यहाँ पे जाम मिला ना, तो अभी यार यहाँ से बस पकड़ेंगे हम मेरठ की, तो भाई जा रहे हैं अभी बस स्टेशन के अंदर, फिर वहाँ से अभी बस पकड़ते फिर आपसे बात करते हैं भाई। भाई चेक कर लो भाई, मेरठ की बस पकड़ चुके हैं, बस यार पहुँचते फिर आपसे बात करते भाई, जीजू के पास जल्दी से जल्दी पहुँचे क्योंकि यार अभी भूख लग रही है बहुत तगड़े वाली। अरे ये चेक करो भाई, ये जो गियर सिस्टम है ना भाई, ये यूपी की बस में मिल सकता है, क्योंकि पंजाब की बस में कभी नहीं मिल सकता यार ये वाला गियर सिस्टम, देख रहे हो भाई। तो बस यार जल्दी जल्दी अब पहुँचे मेरठ को, क्योंकि भाई आज का आपको पता ही है दिन कैसा गया कैसा नहीं, भाई ट्रेन भी मिस होगी फिर बस उसके बाद ख़राब होगी यार, मतलब आज की किस्मत ही ख़राब थी यार। अब चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर आपसे, मिलवाते हैं जीजू को भी मिलवाएंगे, और भाई कोको भी अपना वेट कर रहा है, तो चलते हैं भाई। सर फाइनली पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे, देख रहे हो भाई हार के भाई 12 घंटे में पहुंचे हैं यहाँ पे, और अभी जीजू आ रहे हैं लेने। तो बताओ यार कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और भाई सीरीज बताना आपको कैसी लग रही है, तो भाई चलते हैं हौली हौली, देखते हैं भाई क्या बनता है रास्ते में। यार फाइनली हम पहुंच चुके भाई जीजू की गाड़ी में, देख रहे हो भाई, तो भाई बैग वहाँ पड़ा, एक टची वहाँ पे पड़ा पीछे हमारा। तो यार बस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड, सो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये सीरीज। तो भाई अभी और भी मस्त मस्त एपिसोड आने वाले हैं भाई इसके, क्योंकि हमने सुबह निकल जाना है फिर आपको भाई आगे का आगे बताएंगे आपको, अभी नहीं बताना, तो भाई बने रहो ब्लॉग के साथ, सो मिलते हैं आपको आगे।